2018 में हमें कई सारे ऐसे बजट और मिड रेंज में फोन्स देखने को मिले जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी और वो हर ब्रांड की तरफ से थे, चाहे Xiaomi, Asus, Realme या Honor कोई क्यों ना ले लो। लेकिन 2019 का क्या? तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बजट और मिड रेंज फोन्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनका आपको वेट करना चाहिए अगर आप फोन लेना चाहते 2019 में। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है Redmi Note 7 Pro। वैसे देखा जाए तो 2018 की स्टार्टिंग में Redmi Note 5 Pro आया था, वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब Redmi Note प्रो आ गया उसके ठीक 9 महीने के बाद, तो वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा क्योंकि उसके अंदर आपको कोई ज्यादा बड़े इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले। और अब ऐसा लगता है कि जो सारी इनकम्प्लीट चीजें थी Redmi Note 6 Pro में, वो शायद अब Redmi Note 7 Pro में आएंगी। और अगर हम Xiaomi का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2019 के फर्स्ट हाफ में क्या पता आपको Redmi Note 7 Pro देखने को मिल जाए और इस बार उसमें थोड़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, जैसे कि आपको एक बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाए, जैसे कि Snapdragon 670 या फिर 675, क्योंकि Realme और Asus दोनों ही Snapdragon 660 दे रही हैं और जो नॉच इतना बड़ा कर रखा है उसे भी थोड़ा छोटा कर दी, यानी कि वाटर ड्रॉप नॉच दे दे और हाईर बेस्ड फेस अनलॉक जैसा भी कुछ देते जैसा वो पोको F1 में देते हैं, और शायद 6GB रैम मिनिमम करते हैं और एक वर्जन निकाले 8GB रैम 128GB के साथ, और इसके साथ ही जो डुअल कैमरास हैं उन्हें भी पहले से ज्यादा बेहतर कर दे, और ये सब वो थोड़े प्राइस को कंट्रोल में रख के करे, जैसे कि 10 से 15 हज़ार में ये सारी चीजें करे। और अगले फोन की बात करें तो वो रियलमी की तरफ से होने वाले, जैसे कि जो आप जानते हो कि जो रियलमी है वो एक नया ब्रांड था और रियलमी 1 का एक काफी तबाही मचाने वाला फोन था, और उसके बाद जब उन्होंने रियलमी 2 प्रो निकाला तो वो भी किलर था, और उसके साथ ही Realme ने अपनी Realme C सीरीज और U सीरीज भी निकाली, लेकिन जो उनकी सबसे बेस्ट सीरीज थी ना वो थी Realme 1 और Realme 2 Pro। तो इस कैटेगरी में शायद अगला फोन जो होगा ना अच्छा वो Realme 3 या फिर Realme 3 Pro होगा, और उसमें भी उन्हें शायद कुछ नया करना चाहिए, जैसे कि दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी, और क्या पता आपको जो प्रोसेसर है वो MediaTek Helio P90 मिल जाए या फिर Snapdragon 670 मिल जाए, और इस बार हो सकता है आपको Gorilla Glass 6 भी देखने को मिल जाए। और जिन लोगों को कलर OS Realme की तरफ से पसंद नहीं आता तो मुझे लगता है कि उसमें भी उन्हें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और Realme का जो अगला फोन आएगा उसमें शायद हमें कलर OS के इंप्रूव्ड वर्जन देखने को मिले या फिर स्टॉक एंड्रॉइड ही देखने को मिल जाए, लेकिन जो भी मिले वो सारे प्राइस के अंडर होना चाहिए। और जैसा कि हम Realme के साथ देख चुके हैं उनके फोन काफी ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस्ड होते हैं, तो देखते हैं कि Realme 3 या फिर Realme 3 Pro में क्या देखने को मिलता है। और अगला फोन होगा Zenfone Max M3 Pro। अगर हम 2018 की बात करें तो स्टार्टिंग में Asus Zenfone Max M1 Pro आया था, उसके बाद M2 Pro आ गया साल के खत्म होने से पहले, और उसमें उन्होंने काफी सारे इंप्रूवमेंट कर दिए, जैसे कैमरा को इंप्रूव कर दिया, Gorilla Glass 6 दे दिया, Snapdragon 660 दे दिया, और अब लगता है कि जब M3 Pro आएगा तो उसमें और ज्यादा बेटर कैमरास को दे, तो क्या पता आपको डुअल कैमरा की जगह ट्रिपल कैमरास भी देखने को मिल सकता है, एक बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिले, और आउट ऑफ द बॉक्स वो एंड्रॉइड पाई के ऊपर चले, और वो फोन आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिले। और जो 5000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी देते हैं ना अपनी इस सीरीज के फोन्स में, तो इसके साथ वो फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही देना चालू करते, अगर ऐसा होता तो काफी ज्यादा किलर चीज होगी। बाकी देखते हैं कि Zenfone Max M3 Pro क्या लेकर आता है अपने साथ। और अब बात करते हैं MIA 3 के बारे में। अगर हम MIA 1 की बात करें तो वो 2017 का काफी सा पॉपुलर फोन था और वो Android 1 प्रोग्राम के अंदर आता था। उसके बाद जब MIA 2 आया तो उसके अंदर आपको इतनी बड़ी चीजें देखने को मिली, जैसे कि उसकी बैटरी भी कम हो गई और उसमें से हेडफोन जैक भी हटा दिया, तो अब लगता है कि जो MIA 2 था ना उसको एक अपग्रेड की जरूरत है, यानी एक ऐसा फोन लेकर आया Xiaomi जिसके अंदर आपको नॉच देखने को मिले और डुअल कैमरास अच्छे तरीके से देखने को मिले, सेल्फी में भी डुअल कैमरास देखने को मिले, और पहले से ज्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिले, और प्रोसेसर भी है ना वो 660 के ऊपर का देखने को मिले, क्या पता 675 या फिर Snapdragon 710। और ये फोन भी अगर Android 1 प्रोग्राम के अंदर आता है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स Android Pie के ऊपर चले और ये अपडेट्स भी ज्यादा तेजी से ले। और MIA 2 को देखा जाए तो लॉन्च हुए कुछ टाइम हो चुका है, तो क्या पता Redmi Note 7 Pro से पहले ही MIA 3 को लॉन्च कर दे Xiaomi, तो ऐसा भी पॉसिबल है। पर देखने वाली बात ये है कि Xiaomi आखिर इस फोन का प्राइस क्या रखती है। इसके बाद है Honor का फोन्स। एक्चुअली में Honor अपने मल्टीपल फोन्स लॉन्च करने वाला और एक फोन तो वो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है Honor 10 Lite, जो कि Kirin 710 के साथ आता है, और वो फोन अभी तक इंडिया में नहीं आया है, तो उम्मीद की जा रही कि इंडिया में फोन शायद 15,000 के आसपास आ जाए और उसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती क्योंकि Honor की तरफ से शायद हमें एक ऐसा फोन भी देखने को मिल जाए जो कि Kirin 710 के साथ हो और उस फोन की कीमत 10,000 रुपए के आसपास हो, तो ऐसा होना भी पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो वो देखने वाली बात है। बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सा फोन बढ़िया लगा तो ये बात नीचे कमेंट में बताओ, और इनके अलावा आपको किसी और फोन का भी इंतजार है ना तो ये भी कमेंट में बताना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।